हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है मीना रावत और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर उत्तराखंड के देहरादून से। तो आज है मेरे लिए एक बहुत बड़ा दिन, क्योंकि आज हम काफ़ी दिन बाद निकल रहे हैं घर से बाहर, क्योंकि हम 4-5 महीनों से लगातार हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे, तो आज हम बड़ी मुश्किल से बाहर निकले हैं। बहुत दिनों बाद मेरी एक विश पूरी हुई है, और जो मेरी इच्छा थी बहुत दिनों से, मेरी इच्छा थी कि मैं यहाँ पर नज़दीक हमारे, मतलब जिधर मेरे हस्बैंड ड्यूटी जाते हैं उधर ही सैलाकुई की तरफ एक खाटू श्याम जी का मंदिर है, तो वहाँ जाने की इच्छा थी। तो ये देखिए दोस्तों, इस दुकान से हमने यहाँ पर आके प्रसाद लिया है। यहाँ पर खाटू श्याम जी की छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं जो काफ़ी सुंदर हैं। ये अंदर का नज़ारा, तो मेरे साथ साथ दोस्तों आप लोग भी भगवान जी के दर्शन करें और अपनी मन इच्छा वर मांगें। और ये हमने अंदर जा कर के पूरे मंदिर में घूमे, पूरे मंदिर के दर्शन किए। ये अलग अलग जगह थी मंदिर में, और मेरा बेटा भी अंदर चले गया था, उन्होंने एक माला इसके गले में भी पहना दी थी। और यहाँ पर हमने जो है शिवलिंग पर जगाया, शिव जी का भी मंदिर है यहाँ पर थे। और यहाँ पर एक शिव जी की बड़ी सी मूर्ति अभी निर्माणाधीन है, जो अभी बन रही है, जिस पर भी काम चल रहा है। यहाँ पर आकर काफ़ी मन को शांति मिली। फाइनली हमने दर्शन कर लिए हैं दोस्तों खाटू श्याम महाराज जी के। मेरी काफ़ी दिन से इच्छा थी, तो आज वो इच्छा पूरी हुई, तो भगवान की कृपा से आज हम यहाँ पहुँच गए हैं और दर्शन कर लिए। आज फाइनली भगवान की कृपा आज्ञा रही होगी, तो जिस वजह से आज मैं यहाँ पे आई हूँ और भगवान के दर्शन हमने कर लिए हैं। भगवान मेरे साथ साथ आप लोगों की भी मनोकामना पूर्ण करें। और अब निकलते हैं हम यहाँ से, देखते हैं अब कहाँ जाते हैं, आगे चलते हैं या घर जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। और कुछ तो जो भी हो दोस्तों, मंदिर आकर के मन को थोड़ा शांति मिल जाती है। और यहाँ पर मतलब उतनी ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी, लेकिन अच्छा लगा। आ रहे थे लोग, जा रहे थे, ज़्यादा भीड़ नहीं थी, वो सही भी था। वैसे भीड़ में ज़्यादा फिर ज़्यादा देखना होना नहीं पाता। मंदिर होने के बाद हम फाइनली आ गए हैं, कौन सा रिजॉर्ट है, आसन बैराज में आ गए हैं थोड़ा घूमने के लिए। और अब बच्चों का कहना है कि हम वो थोड़ी बोटिंग करेंगे, मैं नहीं करूँगी क्योंकि मेरा जो उसमें घूमता है सर। और आज हम घर से पहली बार इतने दूर आए हैं दोस्तों, और काफ़ी अच्छा लग रहा है घर से बाहर आके और घूम के। और घर में आज हमारे कोई नहीं है, मेरी गाय भी आने वाली है। एक मन तो मेरा वहाँ लगा है घर में कि कहीं गाय ना भी आ गई हो, लेकिन आज था आंवला एकादशी, तो सुबह आंवले के पेड़ की पूजा करके हम लोगों ने घर में अपना काम वाम निपटा के आ गए थे। तो मेरा खाटू श्याम मंदिर भी जाने का बहुत मन था, बहुत दिनों से मेरा मन था कि मैं वहाँ मंदिर जाऊँ, और फाइनली आज मेरा वो सपना पूरा हुआ। किसी भी मंदिर जाऊँ ये सोचा था, लेकिन काफ़ी टाइम से मेरे माइंड में आया था कि खाटू श्याम मंदिर जाएंगे, क्योंकि कहते हैं कि हारे का सहारा है खाटू श्याम जी। तो खाटू श्याम जो है मेरे मन की जो विपदा है उसे सुने और उसे दूर करें, यही इच्छा लेकर के मैं वहाँ पर गई थी। और अब चलते हैं हम घर। यहाँ देखिए बंदर भी है, यहाँ पे सड़क में घूम रहे, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो अब यहाँ पे वो करने के बाद हम थोड़ा घूमने के बाद जाएंगे घर। खाना घर में हमने आज बनाया नहीं है, यहीं पे खाएंगे या देखते क्या होता है। तो जहाँ हम गए थे बैराज में घूमने, तो वहाँ से वापस आते वक्त हमने रास्ते में खाई कचौड़ियाँ, और उसके बाद 2 प्लेट पैक करके हम घर में भी ले आए थे। और घर आ करके दोस्तों हमने बनाया खाना, दाल बनी हुई थी, चावल बनाए, गर्मा गर्म चावल और दाल के साथ हमने खाया उसे, और बच्चों ने भी खा लिया खाना, मैंने भी खा लिया। और जो है अब करते हैं हम थोड़ी सी रेस्ट, उसके बाद दोस्तों
आग जलाऊंगी मैं, दलिया बनाऊंगी, गायों को बांधूंगी। बल्कि गाय आ गई है, वो बाहर में ही लेटी हुई है, मैंने उसे अभी अंदर बांधा नहीं। बांधती हूँ थोड़ी देर में, चाय भी बनाती हूँ। और फिलहाल करते हैं दोस्तों ब्लॉग को बंद। अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।